तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की पहली बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। एक बार फिर से नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है, यानी गडकरी पर मोदी सरकार का भरोसा कायम है। वहीं हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार जब सत्ता में आए थे उस समय नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे दिया गया। 2019 में इसको कंटिन्यू रखा गया और अब 2024 में भी नितिन गडकरी अपने उसी पद पर बने रहेंगे। एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया के तौर पर नितिन गडकरी जाने जाते हैं और इसी वजह से जिस तरह का कामकाज उनकी ओर से बीते 10 सालों में किया गया है, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ही नितिन गडकरी को बरकरार रखा गया है। नितिन गडकरी को फिर मिला सड़क परिवहन मंत्रालय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा जो कि अल्मोड़ा से सांसद हैं उत्तराखंड से, और हर्ष मल्होत्रा जो कि राजधानी दिल्ली से हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी विभाग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता। हिमांशु, नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्री बरकरार रखा गया है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए? और बड़ी खबर एक और आ रही है, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी ओर से कहा गया है आप लोगों में से ज्यादातर अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है पीएम टोल्ड पीपल इन कैबिनेट कि आप में से ज्यादातर लोग अपना काम करते रहेंगे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। बस नजर अब सहयोगियों के मद्देनजर रहेगी कि उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। हिमांशु, क्या यही मायने और मतलब निकाले जाएं? क्योंकि नितिन गडकरी का नाम जैसे ही सामने आया उनको वही विभाग कंटिन्यू रखा गया है, तो क्या ये माना जाए कि इसी तरह की स्थिति बाकी मंत्रियों को लेकर भी देखने को मिल सकती है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर को जो है वो पावर मिनिस्टर बनाया गया है और उनके साथ जो है श्रीपद नायक जो नॉर्थ गोवा से सांसद हैं उनको जो है एमओएस पावर बनाया गया है। तो ये खबर भी जो है वो छनकर आई है नितिन गडकरी की तरह। फिर से एक बार बताएं कि मनोहर लाल को क्या मंत्रालय दिया गया है फिर से? हिमांशु, देखिए उनको जो है पावर मिनिस्ट्री दी गई है मनोहर लाल खट्टर को, और उनके साथ जो है एमओएस रहेंगे श्रीपद नायक जो नॉर्थ गोवा से सांसद हैं। नितिन गडकरी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया है, उनके साथ दो एमओएस लगाए गए हैं, हर्ष मल्होत्रा जो ईस्ट दिल्ली से आते हैं और साथ ही साथ अजय टम्टा जो अल्मोड़ा से सांसद हैं उनको एमओएस। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, मनोहर लाल को मिला है ऊर्जा मंत्रालय। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हिमांशु आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर लाल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है ऊर्जा मंत्रालय की। और श्रीपद नाइक, आपको बताते चले इसके पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, नॉर्थ गोवा के सांसद हैं, उनको एमओएस बनाया गया है पावर मिनिस्ट्री में। हिमांशु, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप और क्या जानकारी आ रही है? हिमांशु, देखिए उनके साथ और उसके साथ ही जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो भी मनोहर लाल खट्टर को दी गई है, और उनके साथ हैं तुखान साहू जो छत्तीसगढ़ से हैं और उनको एमओएस बनाया गया है। यानी कि तीन मंत्रालयों की पिक्चर जो है वो अब साफ हो गई है। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर के पास जो है वो ऊर्जा मंत्रालय है और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय में उनके साथ जो है तक्षण साहू एमओएस हैं, और ऊर्जा मंत्रालय में उनके साथ जो एमओएस हैं वो है श्रीपद नायक जो गोवा से हैं। नितिन गडकरी के साथ जो है दो एमओएस जो हैं वो रहने वाले हैं, एक हर्ष मल्होत्रा और दूसरे अजय टम्टा जो अल्मोड़ा से हैं। अभी तक तीन मंत्रालयों की जो है वो जानकारी आई है चित्रा, और मुझे लगता है आपसे थोड़ी देर के अंदर एक एक करके सभी मंत्रालयों की जो है वो जानकारी आना शुरू हो जाएगी। और ये कह सकते हैं कि हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से सांसद है मनोहर लाल खट्टर, उनपे मोदी 3 सरकार के अंदर जो है वो ज्यादा भरोसा किया गया है। उन्हें दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, एक ऊर्जा और एक शहरी विकास मंत्रालय। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, जानकारी देते हुए आपको बताते चले कि नितिन गडकरी के बाद मनोहर लाल का नाम सामने आया है, और जैसा कि हिमांशु हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं उनके साथ एक एमओएस बनाया गया है खासतौर से अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जिनको सौंपा गया है, वो है तोखन साहू, भाजपा के सांसद छत्तीसगढ़ से आते हैं, 54 साल इनकी उम्र है, 164,000 मतों से जीतकर
इस समय संसद भवन पहुंचे हैं तो छत्तीसगढ़ पर भी भरोसा जताया गया है, लेकिन यहां पर मनोहर लाल को दो दो मंत्रालय, एक तरफ पावर मिनिस्ट्री और दूसरी तरफ अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय दिया गया है और उनके साथ दो एमओएस लगाए गए हैं। एक तरफ श्रीपद नाइक जो कि गोवा से आते हैं, उनको पावर मिनिस्ट्री में एमओएस की जिम्मेदारी दी गई है, तो तोखन साहू हैं, उनको दी गई है जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु, और क्या खबर है? देखिए, जहां तक अभी तक तीन ही मंत्रालयों के बारे में साफ हुआ है चित्रा, और मुझे लगता है थोड़ी देर में जो है वो सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा, किस मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार ये कह सकते हैं कि बड़े उलटफेर जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मनोहर लाल खट्टर उनमें से एक हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है, शहरी विकास मंत्रालय उनको दिया है और साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय दिया है। शहरी विकास मंत्रालय जो है पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था और अब जो है मनोहर लाल खट्टर के पास दिया गया है। तो एक तरीके से बड़े जो चेहरे हैं सरकार के, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, या फिर निर्मला सीतारामन या पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, अश्विनी वैष्णव के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। माना जा सकता है कि अश्विनी वैष्णव जो है सरकार के चेहरे हो सकते हैं, जो सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं मीडिया में, उनको वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सीधे से बताइए कौन सा मंत्रालय मिल रहा है? आपने कहा कि मीडिया में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जिम्मेदारी, अब सीधे सीधे नाम बता दें आप हिमांशु, हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं किसको क्या मिला है। लेकिन बड़ी खबर हिमांशु मिश्रा, लगातार फोन पर एक एक करके वो तमाम नाम सामने आते हुए चले जा रहे हैं, जल्दी से दर्शकों को देते हैं जानकारी। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय बरकरार रखा गया है, 2014 से लगातार ये मंत्रालय उनके पास है और उनके साथ लगा दिया गया है दो अलग अलग सांसदों को, एक तरफ है अजय चंदा जो कि अल्मोड़ा से जीत कर आए हैं, दूसरी तरफ है हर्ष मल्होत्रा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा राजधानी दिल्ली से जीते हैं और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 मतों से विदिशा से जीत हासिल की है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मंत्रालय इस बार उनको मिलता है, और ज्यादातर कयास भी हिमांशु इस बारे में ही थे कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है और कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर मोदी सरकार को कई बड़े बड़े फैसले करने हैं। आज ही हमने देखा किसानों को लेकर किस तरह से किसान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन वो विधानसभा चुनाव जीते तो उनको स्पीकर बनाया गया। कुछ समय के लिए जो है अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी, अर्जुन मुंडा जो है इस बार चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के पास मतों से डिफेंस मिनिस्ट्री ही रहेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, निर्मला सीतारमन ऐसा लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेंगी और राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान उनको कृषि मंत्री बता दिया गया है, जीतन राम मांझी को माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ये मंत्रालय सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय ही रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय ही रहेगा। निर्मला सीतारमन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि पहले वित्त मंत्री वो थी और वित्त मंत्री बनी रहेंगी हिमांशु, ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। यानी कि पीएम ने अपने सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक में ये जो कहा है कि आप में से ज्यादातर लोग अपना काम करते रहेंगे, और अभी तक जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि ज्यादातर लोग वही काम करते रहेंगे जो 2019 से और कुछ लोग 2014 से जो करते चले आ रहे हैं। हिमांशु, बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान के पास एक मंत्रालय और है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये जो भी मंत्रालय है ये भी शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। जो जानकारी अभी तक आ रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार जो है वो गिरिराज सिंह के पास था 2019 से 24 के बीच में, तो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर जो है वो ग्रामीण विकास भी है, जो गांव में रहने वाली जनता है उनका भी है, और साथ ही साथ किसानों के लिए उनको एक बड़े काम कर रहे हैं। जिस तरीके का आपने अभी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा काम जो किया अपना चार्ज लेने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो 17वीं जो है किसान सम्मान निधि को रिलीज करने के लिए ऑर्डर किया, जिसमें 9,30,000
9 करोड़ 30 लाख लोगों को जो है वो 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जाएंगे। ये जो फैसला लिया उस पर शिवराज सिंह चौहान के पास जो है अब यह जिम्मेदारी रहने वाली है। और साथ ही साथ जितेंद्र राम मांझी को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिया गया है, उनके साथ MOS जो है वो शोभा करदरांजे को बनाया गया है, यानी कि अब जो है नारायण राणे की जगह जो है नारायण राणे को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है, उनकी जगह जितेंद्र राम मांझी को जो है अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी जो है दिया गया है। और उनके साथ जो उनके सहयोगी के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाई गई है वो है शोभा करदरांजे, जो कर्नाटक से आती हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, 2019 से जो है वो 24 के दौरान मंत्री रही, कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी जो है उन्होंने निभाई है 2021 से 24 के बीच में, तो कहीं ना कहीं शोभा करदरांजे के जिम्मे भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, मैं फॉरेन लॉटरी हिमांशु आपको बताते चले, यहाँ पर एक के बाद एक लिस्ट कहीं निकलकर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, जैसे की जानकारी दे रहे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे, 1,35,000 मतों से वो जीत कर आए हैं, 72 साल उनकी उम्र है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी आपको बताते चले कि महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से 67 साल के हैं, 1,37,000 मतों से जीतकर गडकरी पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 से 65 साल उम्र है शिवराज सिंह चौहान की, और 2 मंत्रालय उनको दिया गया है, जैसा कि हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसके पहले गिरिराज सिंह के पास था, और इसी के साथ ही कृषि मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। जीतन राम मांझी जो कि सबसे ये जो मंत्रालय है उसमें 79 ईयर के सबसे जो बुजुर्ग हैं वो वही हैं, जीतन राम मांझी को 1,01,000 वोट से जो जीत कर आए थे उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है जीतन राम मांझी को, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी MSME जीतन राम मांझी के कंधे पर रखा गया है, श्रीपद नाइक को बनाया गया है MOS, हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया है, तोखन साहू जो कि आते हैं छत्तीसगढ़ से उनको भी ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी तक जो बड़ी बातें ऐसा लग रहा है कि पुराने चेहरे ही ज्यादातर वही तमाम मंत्रालय संभालते रहेंगे जो अब तक वो संभालते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहेंगे, अजय टमटा और इसके साथ साथ हर्ष मल्होत्रा को उनके साथ लगाया गया है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के राज्य मंत्री के तौर पर, और हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से आते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था सबसे पहले किस तरह से राजधानी दिल्ली से एक तरफ जो जिम्मेदारी दी गई थी, आपको बताते चले कि लगातार 3 बार से 2014 में चांदनी चौक से जीते डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने देखा था, 2019 में हर्षवर्धन के बाद मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया गया था, और अब यह जिम्मेदारी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के बाद हर्ष मल्होत्रा को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हैं, कुलदीप कुमार को हराकर वो संसद भवन पहुंचे हैं, और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु और क्या बड़ी खबर है, जो विभागों का बंटवारा हो रहा है लगातार आपके पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है हिमांशु? देखिए अभी तक जो जानकारी आई है उसमें जो नाम मैंने आपको बताए हैं जीतन राम मांझी के हो या बाकी अन्य नाम हो, उनके अनुसार जो है मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा मंत्रालय रहेगा, उनके साथ टुकसन साहू जो है वो MOS रहेंगे, और उसके अलावा जो है उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, और उस मंत्रालय में जो है उनके साथ श्रीपद नायक हैं, नितिन गडकरी के पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है वो दिया गया है, और उसमें 2 उनके साथ MOS लगाए गए हैं हर्ष मल्होत्रा और जय टमटा। साथ में एक जानकारी ये भी आ रही है वो देखने वाली, जिसमें ये कहा गया है कि अश्विनी वैष्णव जो हैं शायद वो जो हैं वो सूचना व प्रसारण मंत्री हो सकते हैं देश के अगले, ये जिम्मेदारी अभी तक जो है वो अनुराग ठाकुर के पास थी, अनुराग ठाकुर इस बार हमीरपुर से चुनाव जीते हैं लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि JP नड्डा जो हिमाचल से ही आते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में जो है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो सरकार में शामिल हुए तो अनुराग ठाकुर को जो है वो इस बार कैबिनेट में जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक कुछ ही नाम आए हैं चित्रा, और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी हमें, और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर BJP के अध्यक्ष को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, JP नड्डा साहब को उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, इस पर भी सभी की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है, और इसी के साथ साथ जो सहयोगी दल है यानी कि JDU और TDP उनको क्या विभाग दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा निगाह इसी बात पर, क्योंकि अगले 5 सालों का जो रोडमैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रख रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा भूमिका इन दोनों ही अलग अलग पार्टियों की रहने वाली है, जिसमें JDU सबसे प्रमुख है अपने 12 सांसदों के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ 16 सांसदों के साथ TDP की
भूमिका भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, महाराष्ट्र और एक एक करके लगातार जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर, चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। लगातार तीन बार के सांसद, दो बार जमुई से जीते आरएलजेपी के मुखिया और एक बार हाजीपुर से 2024 को जीत कर आ रहे हैं। रामविलास पासवान की सीट से उनके बेटे हैं और उनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। खेल मंत्री चिराग पासवान बनाए गए हैं। उनके कुल पांच सांसदों ने, पांच लोगों ने चुनाव लड़ा था, पांचों जीते, यानी कि एक तरह से 100% का स्ट्राइक रेट रहा था। और यही कारण है कि चिराग पासवान जो युवा चेहरा हैं, उनको 41 साल जिनकी उम्र है, चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओडिशा के संबलपुर से जीत कर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, 2019 से लगातार वो संभाल रहे हैं। और सीआर पाटिल जो कि गुजरात से आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, सीआर पाटिल को जो है जल शक्ति मंत्रालय देने की बात आई है। और साथ में मैं आपको बता दूं, सर्वानंद सोनोवाल उनको पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज का मंत्रालय जो दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनके साथ एमओएस जो हैं शांतनु ठाकुर रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वो उनको दिया गया है सर्वानंद सोनोवाल को। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी को जो है वो इंडस्ट्री एंड स्टील डिपार्टमेंट दिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस से हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस हुआ, उनकी पार्टी ने दो सीटें जीती हैं। और कुमारस्वामी को जो है इंडस्ट्री एंड स्टील का मंत्रालय दिया गया है। कई ऐसी खबरें जो हैं वो सुनने में आ रही है। सिविल एविएशन जो है वो राम मोहन नायडू को वो दिया गया है। राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी से आते हैं और टीडीपी की डिमांड भी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जो है वो टीडीपी को दिया जाए। राममोहन नायडू सबसे यंगेस्ट जो है वो मंत्री है इस सरकार में और उनको जो है सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो दिया गया है। चित्रा, ये बड़ी खबर, राममोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्रालय उनको दिया गया है। राममोहन नायडू आपको बताते चले, 36 साल उनकी उम्र है, तीसरी बार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है सांसद के तौर पर। कल पद गोपनीयता की शपथ ली थी, 3,27,000 मतों से जीत कर वो पहुंचे हैं, जो दो मंत्री बनाए जा रहे हैं टीडीपी से, उनमें राममोहन नायडू का यहां पर नाम महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिमांशु हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए। कुमारस्वामी जो कि कर्नाटका से आते हैं, यकीनन उनकी भी भूमिका एनडीए में महत्वपूर्ण है, उसको इंडस्ट्री एंड स्टील मिनिस्ट्री दी गई है। सर्वानंद सोनोवाल को जैसा कि बता रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल एविएशन राममोहन नायडू को दिया गया है। राममोहन नायडू के ऊपर सभी की निगाहें, क्योंकि आपको बताते चले टीडीपी अपने 16 सांसदों के साथ एनडीए में है और क्या मंत्रालय दिया जाता उन्हें, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ गई है, रवनीत सिंह बिट्टू एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स उनको बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू की जानकारी निकलकर सामने आई है। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव हार गए। इसके पहले तीन बार कांग्रेस पार्टी से वो सांसद रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लुधियाना से चुनाव लड़े, हार गए थे। बेयस सिंह के पौत्र हैं। एमओएस मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है रवनीत सिंह बिट्टू को। हिमांशु, जल शक्ति आया साहब को बस अभी तक जो हमको जानकारी दी गई है। हिमांशु अभी आता है, मैं देता हूं आपको। हेलो हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हिमांशु के पास चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर जैसा कि हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे हैं, राममोहन नायडू टीडीपी के सांसद मंत्री बनाए गए, उनको यहां पर अहम जिम्मेदारी दी गई है सिविल एविएशन की। रवनीत सिंह बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। यहां पर देखिए, अजय शंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे और लगातार नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे। तो जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हिमांशु, रवनीत सिंह बिट्टू, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। गजे
बिल्कुल देखिए माइनॉरिटी अफेयर है और वो माइनॉरिटी के चेहरे भी हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, चुनाव लुधियाना से हार गए लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, वो कांग्रेस छोड़कर आए थे चुनाव से पहले और पार्टी ने उन्हें जो है वो MOS बनाया है और माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो संस्कृति एंड पर्यटन विभाग दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास पिछली सरकार में जो है वो जल शक्ति मंत्रालय था, तो इस बार उन्हें जो है संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। उनके साथ जो MOS लगाए गए हैं उसमें सुरेश गोपी, राव इंद्रजीत सिंह दोनों को जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में MOS बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं। अब देखते हैं कि उनको स्वतंत्र प्रभार का कौन सा मंत्रालय दिया गया है। और किरण रिजिजू को जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है। चित्रा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री एक बड़ा मंत्रालय है, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि संसद के अंदर सभी विपक्षी दलों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो संसदीय कार्य मंत्री को करना होता है और ये काम अब से पहले जो है प्रहलाद जोशी कर रहे थे 2019 से लेकर 24 तक, तो 5 साल प्रहलाद जोशी ने ये काम देखा है और अब जो है किरण रिजिजू पे जो है वो पार्टी सरकार ने जो है वो भरोसा जताया है। चित्रा ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए हैं सुरेश गोपी, जिनको लेकर आज दिन भर तमाम तरह की खबरें चलती रही। आपको बताते चले केरल से एकमात्र जीते हुए ये सांसद जिनको मंत्री पद की कल जिम्मेदारी दी गई और आज अलग अलग तरह की खबरें छपती रही कि वो फिल्में करना चाहते हैं ये वो, हालांकि बाद में उन्होंने खंडन कर दिया है। और बड़ी जानकारी सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह, आपको बताते चले सुरेश गोपी जो 65 साल के हैं 74,000 मतों से जीत कर वो पहुंचे हुए हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है MOS कल्चरल एंड टूरिज्म की। और राव इंद्रजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 74 साल उनकी उम्र है, 75,000 मतों से जीत कर संसद भवन में पहुंचे हैं। और यहां पर कुमारा स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, जैसा कि हिमांशु पहले ही जानकारी दे चुके हैं और यकीनन कुमारा स्वामी पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है। HD कुमारा स्वामी JDS के हैं, 65 साल उनकी उम्र है, 284,000 मतों से जीत कर संसद भवन पहुंचे हैं। और कल शपथ लेने के बाद मैंने उनसे बातचीत की भी कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन फिलहाल जानकारी सामने आ गई हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्ट्री उनको दी गई है। तो सबसे ज्यादा निगाह हिमांशु इसी बात पर बनी हुई थी कि जो सहयोगी दल हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है और एक एक करके अब सबको सबका विभाग यहां पर सौंपा जा रहा है। हिमांशु चले हिमांशु के पास हम पहुंचे जाएंगे, आपको बताते चले प्रहलाद जोशी फूड कंज्यूमर अफेयर एंड यहां पर एक एक करके तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, लगातार मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है और अब तक जो बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं उनके बारे में जल्दी से देते हैं आपको जानकारी। अश्विनी वैष्णव बने हैं रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले भी उनके पास थी लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास, यानी कि दो दो मंत्रालय उनको दे दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के विश्वास पात्र होने का फायदा उनको मिला है। अश्विनी वैष्णव धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय ही बना रहेगा। इन सब के बीच आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी MOS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई जो कैबिनेट है तीसरा टर्म, उसमें आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, कैसे दिखते हैं? ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, पहले तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का जिन्होंने मुझे सांसद बना के अपने क्षेत्र के लिए काम करने का अवसर दिया था, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सरकार में काम करने के लिए भी अपना आशीर्वाद दिया है और अभी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी, और चूंकि मुझे लगभग सभी कामों का करने का अनुभव रहा है और मेरी जानकारी में जैसा आया है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन अगर कहीं हुए हैं तो उत्तराखंड के अंदर ही हुए हैं, और ऑल वेदर रोड अगर कहीं आती है तो उत्तराखंड के अंदर आई है, भारत माला भी आई है तो वो उत्तराखंड के अंदर आई है और पूरे देश भर के अंदर चल रही है, तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यवान है क्योंकि रोड और जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो मनुष्य की आम जनजीवन की सुविधाओं के रूप में है वो यात्रा ही है और उसके कारण से अच्छी रोडें बनी, बड़े रोडें बने और जिसमें दुर्घटनाएं ना हो, तो अपने आप में एक अहम काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम। अगले 100 दिन का विजन क्या रहेगा, किस तरीके से? मैं आपके साथ बैठने वाला हूं क्योंकि अभी से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस पर काफी विजन है और जब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार उत्तराखंड को सौगात दी थी
तो तब मैं मंत्री था, तब मुझे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला था कि भाई पहली रोड आपको ऑल वेदर रोड मिली है। तो मैंने कहा कहाँ के लिए मिली? तो उन्होंने कहा चार धाम के लिए मिल रही है। तो मैंने कहा एक धाम और है। तो उन्होंने बोला कौन सा धाम है? तुम्हारे उत्तराखंड में तो सभी धाम है। तो पता चला कि मेरे का केदारनाथ कैलाश मानसरोवर धाम है। तो आज हम सबका सौभाग्य है तो वही रोड आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आदि कैलाश जोलिंगकोंग जब प्रधानमंत्री जी आए और अंतिम गांव तक सड़क हमारा पहुंचना, लिपुलेक दर्रे तक सड़क का पहुंचना, यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। हम कभी सोचते भी नहीं थे कि कभी वहां तक सड़क जाएगी, तो ये बहुत ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अजय टमटा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 100 दिन का जो विजन रहेगा, बड़े बड़े हाईवे और कई ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो देश भर के अंदर होगी। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। आज तक सड़क परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है। 2016 में भी आपको बताते चले कि इनको मंत्री बनाया गया था और उस समय इनको कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, जिसमें से अजय टमटा को नियुक्त किया गया और फिर उनको अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी जानकारी, पीयूष गोयल को कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। पीयूष गोयल कद्दावर नेता मुंबई से जीतकर आए हैं और आपको बताते चले 3,57,000 वोटों से 59 साल के पीयूष गोयल जीते हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसके पहले वो लगातार राज्यसभा से चुने जाते रहे थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले भी उनके पास था, उसी को कंटिन्यू रखा है नरेंद्र मोदी ने। दूसरी तरफ टीडीपी से राममोहन नायडू, सिविल एविएशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मुरलीधर मोहल जो कि टीडीपी से है, एमओएस एविएशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी निकलकर सामने आ रही है शिवराज सिंह चौहान, जिनको दो दो बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। शिवराज को पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री बनाया गया है। वो अपने अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश भवन में बड़ी बैठक कुछ देर में करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया है। लगातार 3 बार के सांसद गिरिराज सिंह, मोदी सरकार 2014 में जब बनी उसके बाद भी मंत्री बने, 2019 में भी बने और अब 2024 में भी गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। वो बेगूसराय से चुनकर आए हैं। हरदीप सिंह पुरी आपको बताते चले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पहले भी उनके पास थी, उसी को कंटिन्यू रखा गया है। हरदीप सिंह पुरी को 72 साल इनकी उम्र है। तेल कूटनीति का ये बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आवास शहरी मामलों के साथ साथ पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पहले भी इनके पास था। 2020 से यूपी से लगातार ये राज्यसभा के सांसद हैं, इनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक करके लगातार नाम सामने आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब एक एक करके जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है और 2014 में भी यानी कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के पहले भी वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ही अपनी पहचान बनाए रखे थे और उसी को कंटिन्यू किया गया है 2024 में भी। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, जेपी नड्डा जो है 2014 नवंबर में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बने और उसके बाद 19 तक उन्होंने कंटिन्यू किया और 19 में जब मोदी सरकार दो बनी तो उसमें जो है वो मंत्री नहीं बने बल्कि जो है पार्टी के अध्यक्ष बने। और अब भूपेंद्र यादव के लिए जानकारी आ रही है कि उनको जो है वो पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया को जो है वो लेबर मिनिस्ट्री दी गई है। हरदीप सिंह पुरी के बारे में आपने भी बताया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उनको दी गई है। साथ ही साथ गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल दिया गया है और प्रहलाद जोशी को फूड एंड कंज्यूमर और रेन्यूबल एनर्जी दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर जो है पहले पीयूष गोयल के पास था और रेन्यूबल एनर्जी जो है वो मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से हिमांशु देते हुए फौरन लौट रही हूँ आपके पास। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों को अब बुला लिया है एमपी भवन में। कुछ ही देर में वो बैठक करने वाले हैं, यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर शिवराज ने एमपी भवन में सभी को बुला लिया है और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले। राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह लगातार गृहमंत्री वो बने रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी उनके पास रहेगा। इसके अलावा नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जगत प्रकाश नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये भी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। बड़ी खबर, जेपी नड्डा एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की जिम्मेदारी भी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एक करके तमाम नाम लगातार सामने आ रहे हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बनी रहेंगी, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री बने रहेंगे। मनोहर लाल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्टर ऑफ पावर, मनोहर लाल पूर्व सीएम हरियाणा के,
एचडी कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्री वो बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। जीतन राम मांझी मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई का मंत्रालय उनको दिया गया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह को पंचायत राज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल ये मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास थी। आपको बताते चले कि ललन सिंह को भी यहां पर जो कि जेडीयू से मिनिस्टर बने हैं उनको पंचायती राज दिया गया है, फिशरीज मंत्रालय दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्रालय यहां पर दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को पूरी लिस्ट इस वक्त आ गई है। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी वीरेंद्र कुमार को दी गई है। और राममोहन नायडू को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बने हुए हैं टीडीपी से। प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सौंपा गया है और इसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी का की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। जुअल ओराम इनको ट्राइबल अफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी बड़ा चेहरा है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह बने रहेंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री वो बने रहेंगे, पहले भी उनके पास था। और अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव का कद यहां पर बढ़ा दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मंत्रालय उनको दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मंत्रालय उनको दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम नेचुरल गैस की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्पावरमेंट और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी इनको दी गई है। मनसुख मंडाविया को मिनिस्टर ऑफ यूथ, युवा और खेल मंत्रालयों की जिम्मेदारी मनसुख मंडाविया को दी गई है। जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्टर ऑफ माइंस बनाया गया है। चिराग पासवान को यहां पर देखिए, थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन था, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये चिराग पासवान को दी गई है। और आपको बताते चले रामविलास पासवान के पास भी एक वक्त पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान को दी गई है। सीआर पाटिल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। और यहां पर आपको बताते चले कि और भी कई नाम सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को, जितेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि जम्मू से आते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जिम्मेदारी भी स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ में मंत्री भी वो लगातार बने रहेंगे। कई जिम्मेदारी यहां पर जितेंद्र सिंह को दी गई है। एटॉमिक एनर्जी की भी जिम्मेदारी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जिम्मेदारी, तो यहां पर जितेंद्र सिंह को लेकर कई मंत्रालय सामने आ रहे हैं स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी। श्री अर्जुन राम मेघवाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहले भी ये जिम्मेदारी उनके पास थी उसको कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। जाधव प्रताप राव गणपत राव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहां पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं और एक एक करके तमाम वो जानकारी जो लिस्ट हमारे पास आई है आज तक के पास वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर ये अहम जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई है। एस जयशंकर को फिर से मिला है विदेश मंत्रालय, वो पहले भी थे। ललन सिंह को मिला है पंचायती राज मंत्रालय, पहले भी थे। अब यहां पर रेल मंत्री किसको बनाया गया है वो नाम मैं लगातार ढूंढ रही हूं, जैसे ही निकलकर रेल मंत्री उनको बना दिया गया है। पहले ही आपको बताते चले अश्विनी वैष्णव पहले भी थे और उनको कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका कद बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा था ललन सिंह की उस पर निगाह थी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा कद अगर यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह अश्विनी वैष्णव का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े अहम मंत्रालय उनको दिए गए हैं। पहले भी रेल मंत्री के तौर पर हमने देखा था बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो कैसे 3-4 दिनों तक वहां पर रुककर
जब तक ट्रेन वहां से चलने नहीं लगी तब तक लगातार वो बने हुए थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, तो उनका कद यहां पर बढ़ाया गया है। तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृहमंत्री बने रहेंगे, नितिन गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जगत प्रकाश नड्डा वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान को दो दो मंत्रालय यहां पर दिया गया है, अहम मंत्रालय पंचायती राज और कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, निर्मला सीतारमन वो वित्त मंत्रालय संभालती रहेगी, और यहां पर विदेश मंत्री अजय शंकर बने रहेंगे, मनोहर लाल को भी अहम दो दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अश्विनी वैष्णव का कद यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पहले वो रेल मंत्री थे और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। क्या हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। हिमांशु, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादातर जो नाम थे उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पहले रामविलास पासवान के समय भी जब वो मंत्री हुआ करते थे केंद्र में उनके पास भी ये जिम्मेदारी थी। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम लिस्ट जो है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो अब आज तक के पास है। चित्रा, आप कहें तो मैं पूरे के पूरे नाम जो है, बिल्कुल बिल्कुल 71 जो नाम है मंत्रिमंडल के, उनकी जानकारी अगर आप दे दूं तो राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री बनाया गया है, पहले भी था। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये दोनों मंत्रालय उनके पास था। नितिन गडकरी को फिर से एक बार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, जिनको हम सब जानते हैं रोड मंत्री के नाम से जो है वो उनको जाना जाता है। जगत प्रकाश नड्डा जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया, साथ में केमिकल। हिमांशु, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। हिमांशु मिश्रा ग्राउंड से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी नाम सामने आ चुके हैं आज तक, जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है।